Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, we're going to talk about the problem C of quote forces around 764, okay, which is division by 2 and permutation, okay. So this was a very good problem, okay, in which it is asking that we are given with the array A, okay. So we have to basically convert the, or we can replace the elements of that array into a permutation of n numbers, which is from 1 to n, means n positive numbers, okay. Now thing is that how can we replace the element? We can replace the element by dividing by 2. Means we can replace ai with ai by 2. Then again ai with ai by 2. So we can apply any number of operations. We don't have to count the operations. We don't have to minimize the operations. But we have to find that if it is possible to convert it into a permutation or it is not possible. Fine. We have to just tell them that. So let's go with the question. Yeah. So the problem is, now let's move towards the whiteboard to understand. So let's take a test case also. Okay, so that I can explain you that. So we can take a test case, these two test case. Okay, we can take these two test case. Okay, fine. Yeah, so we have copied it. Now let's move towards the whiteboard. Okay, yeah. So the two test cases are this particular. Okay, we will discuss it. So the first is 24 7 16 7, okay. This is the first test case which is given to us. So we have 24 7 16 7. So ek cheez samajh mein aa rahi hai aapko ki jo bhi numbers hai hamare paas, jo bhi numbers hai, hame unko 1 se leke n tak ke permutation mein banana hai. मतलब जो भी नंबर n से बड़े हैं हमें उनका तो कोई काम ही नहीं है. जैसे 24 जो है 4 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, तो उनका हमारे काम नहीं है. तो हम लोग पहले इनको एंट्री के टाइम में, इनपुट के टाइम में, इनको हम लोग n से छोटा या n से इक्वल कर लें, मतलब डिवाइड बाय 2 करके. एक तरीका है हमारे पास डिवाइड बाय 2 करने का, वो हम लोग कर लें. तो हम लोगों ने 24 को क्या किया, 12 किया, 12 से 6 कर दिया, 6 से 3 कर दिया. अब ये हो गया है छोटा n से, n से लेस देन इक्वल हो गया. 7 को हम लोगों ने 3 किया, अभी भी इक्वल हो गया, मतलब लेस हो गया है. 16 को हम लोगों ने 8 किया, 8 को हम लोगों ने 4 कर दिया, ये लेस देन हो गया है. 7 को हम लोगों ने 3 कर दिया, तो नई अरे में हमारे पास आई 3 3. ओके, 24 12 12 6 एंड 6, हाँ, या एंड 4 एंड 3, यहाँ पर नई अरे आ गई है जिसमें सारे एलिमेंट्स n से छोटे इक्वल है, ठीक है. ओके, अब एक चीज ये देखो कि हम लोग एक मैप बना लें, मैप बना लें, कुछ भी बना लें आप, ऐसा कुछ कर, जैसे मैं आपको ये स्टोर करना है कौन कौन से नंबर में मिल चुके हैं 1 से लेकर n तक. ऐसे हमारे पास 1 2 3 4, ये चार नंबर हम लोग चाहिए. हम लोग पहले नंबर पे आए, यहाँ 3 है, क्या 3 n से छोटा, मतलब 3 हमारे परमिटेशन में है. हाँ, हमें 3 चाहिए एक नंबर हमारे परमिटेशन में. और क्या वो अभी तक आ चुका है, नहीं आ चुका है, तो हमने 3 को ले लिया, 3 टिक हो चुका है. अगले पे आए, ये फिर से 3 है, हमने कहा 3 है और 3 हमारे पास पहले भी आ चुका है, तो हमें 3 को कोई काम नहीं है, तो हम लोग उसको फिर से डिवाइड बाई 2 कर लें. तो 3 डिवाइड बाय 2 आ गया 1. अब चेक किया, क्या 1 हमें हमें जरूरत है? हाँ, हमें 1 की जरूरत है, हमें 1 की जरूरत है, बिकॉज 1 हमारे पास था भी नहीं, तो हमने 1 ले लिया और 1 को ये भी नंबर हो गया. अब 4 पे आए, अब 4 चेक किया, क्या 4 हमारे परमिटेशन में है? हाँ है. क्या 4 आ चुका है? 4 नहीं आ चुका, तो उन्होंने 4 यहाँ ले लिया, आगे इटरेट कर लिया. अब 3, क्या 3 हमारे परमिटेशन में है? हाँ है, पर वो पहले मिल चुका है हमें, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया. अब आया 1, तो 1 में भी मिल चुका है, हमने फिर उसको डिवाइड कर दिया. अब 0 हो गया, नंबर खत्म हो गया, तो कोई मतलब नहीं है. अब चेक कर लो कैसा आपको सारे नंबर्स मिले कि नहीं मिले. आपको 1 मिला, 3 मिला, 4 मिला, पर आपको 2 नहीं मिला है, इसका मतलब ये नो है, इसका आंसर नो है. आंसर में भी यही होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग. अगला आओ, अनदर इज 22 6 22 4 22, ठीक है. अब देखो ये कैसे देखेंगे, बहुत ईजी सा है. 22 6 22 4 22, आई थिंक दिस इज द टेस्ट केस, बोल गए क्लियरली. या तो अब पहले फिर वही चीज, जो नंबर्स n से बड़े हैं उनको n से छोटा कर लो डिवाइड बाय 2 करके. तो 22 को हम लोग 11 किया, 11 को 5 कर दिया, 5 है n, n इज वाज 5, n वाज 5. 6 को हम लोगों ने 3 कर लिया डिवाइड करके, 22 को फिर से 5 कर लिया, ऐसे यहाँ किया था. 2 को 4 को 4 लेने दिया, क्योंकि 4 5 से छोटा पहले से ही है, 22 को 5 कर लिया. अब एक हम लोगों ने मैप बना लिया, चेक करने कौन कौन से नंबर मिल चुके हैं, ठीक है. अब देखो हमारे पास यहाँ 5 है, नहीं अरे 5 3 5 4 5,
क्या फाइव हमारे परमिटेशन में है? हाँ है। क्या वो पहले से मिल चुका? नहीं मिला है, तो हमने फाइव को ले लिया। अब फाइव मिल गया, अब थ्री आए। क्या थ्री हमारे परमिटेशन में है? हाँ है। और क्या थ्री मिल चुका? नहीं मिला है, तो हमने थ्री को ले लिया। अब फाइव पे आए। क्या फाइव हमारे परमिटेशन में है? हाँ फाइव परमिटेशन में है, पर फाइव हमें पहले से ही मिल चुका है। ये देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव बाय टू कर देंगे, जो कि है टू। अब टू के लिए चेक करेंगे, क्या टू हमारे परमिटेशन में है? हाँ है। क्या टू मिल चुका है? नहीं मिला है, तो हमने टू को ले लिया यहाँ से। अब फोर है। क्या फोर हमारे परमिटेशन में है? हाँ है। क्या फोर मिल चुका है? नहीं मिला अभी तक, तो फोर ले लिया। अब फाइव, क्या फाइव हमारे परमिटेशन में है? हाँ है, पर फाइव मिल चुका है, तो हमने फाइव को डिवाइड बाय टू कर दिया। अब टू, क्या टू हमारे है परमिटेशन पर? फिर टू भी मिल चुका है पहले ही, तो टू को भी डिवाइड बाय टू कर दिया, वन आ गया। क्या हमारे परमिटेशन में है? हाँ है, और मिला भी नहीं अभी तक, तो हमने वन ले लिया। इस तरीके वन टू थ्री फोर फाइव से सारे परमिटेशन आ चुके हैं, मतलब इसका आंसर यस होगा। फाइन, तो दिस वॉज द बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हैं, आप और भी टेस्ट केस ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग आए थे कोड पार्ट पे। ओके, काफी एक्सप्लेनेशन हो गया, सब कोड देखते हैं, कोड में क्या मैंने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो कोड में आप देखो मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले तो सारे नंबर्स को इनपुट के टाइम पे ही एन से छोटा कर लिया, अगर वो एन से बड़े हैं तो, पहली चीज कर ली। फिर मैंने उनको सॉल्ट कर लिया है। सॉल्ट इसलिए बस कर लिया, मतलब नॉर्मल, सो दैट हम लोग एक लाइन से सीक्वेंस से चले आगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ए आर आर आई मैंने चेक कर लिया, क्या हमारा नंबर जो है वो परम्यूटेशन में है या नहीं है, क्योंकि वो अगर एन से छोटा है मतलब हमें उसकी उसकी नीड है, और अगर वो अभी तक मिला भी नहीं है हमें, तो हमने उसको ले लिया बिना कोई ऑपरेशन किए उस पर। अगर वो नंबर हमें मिल चुका है, मतलब अगर वो नंबर हमें मिल चुका है पहले से ही, असल में ही, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब तो हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे डिवाइड बाय टू करके। और अगर वो फिर से कहीं, मतलब उसका कोई भी अगर एक ऑपरेशन में मिल गया, तो हम लोग उसे कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और एक मैप में स्टोर कर लेंगे। फिर हम लोग चेक कर लेंगे क्या हमें सारे नंबर्स मिल चुके हैं मैप में। अगर एक भी ऐसा नंबर है परमिटेशन जो हमें नहीं मिला अभी तक, तो फिर हम लोग नो प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यस प्रिंट कर देंगे। दिस वॉज द या इजी प्रॉब्लम। ओके, तो दिस वॉज वॉट इट इज आस्किंग। फाइन, या सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, संग मुझे अभी लगे। थैंक यू।